सो आज हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट. हमारी एक फ्रेंड है सृष्टि, वो भी इन सब सोशल वर्क में जुड़ी रहती है. तो उसने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया जाने के लिए. सो ये क्लीनिंग उसने ऑर्गेनाइज कराया है. सो जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ आपको. जॉर्ज एवरेस्ट एक वैसे बहुत फेमस है, आप सबने सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना, जॉर्ज एवरेस्ट जितना मैंने सुना है, वहाँ पे एक बंदा रहता था जॉर्ज, और उसकी कुछ डेथ वेथ हो गई थी शायद, कुछ वो पता नहीं क्या सीन है. तो वो एकदम चोटी पे है और बहुत ऊँची चोटी है, शायद यहाँ पे सबसे बड़ी चोटी वही है. तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, रहते हैं, और लास्ट में वहाँ पर कचरा फेंक के चले जाते हैं. अब वो इतना ऊपर है कि वहाँ पे जाना बहुत पॉसिबल नहीं है, मतलब कि रोज़ रोज़ वहाँ पे क्लीनिंग हो सके शायद. और देखो कैसे यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह भी हो रखे हैं, और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पर. लेकिन लोग आके यहाँ पर ये पीसफुल एनवायरनमेंट को ना थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं. वो सामने जो दिख रहे हैं वही हमारे फ्रेंड लोग हैं. चढ़ाई में मेरी स्कूटी ने थोड़ा सा रोक दिया है, मेरी स्कूटी चढ़ नहीं रही है. उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो शायद से वेस्ट मैनेजमेंट की है, जिसको शायद यहाँ के लोकल्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके पास. लेकिन इस बात से हमें भागना नहीं होगा. अगर हम इस चीज़ को एज अ बिग प्रॉब्लम नहीं मानेंगे तो इस चीज़ का कभी ढंग से इलाज नहीं होगा, ठीक है. लोग ऐसे झरने देख कर वैसे रुक जाते हैं थोड़ा, वहाँ पे फोटो वोटो खिंच जाते हैं, लेकिन हम लोग बोर हो चुके हैं. हमारे लिए दिस इज रियली वेरी कॉमन. सो हम पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट. एक्चुअली हम एकदम चोटी पे नहीं पहुंचे अभी, अभी हमको यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, और काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा है यहाँ पर.
जाता है। अरे अपना पीछे ले रहे कि कुछ है।